नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। घोषिया कला पंचायत में प्रतियोगी परीक्षा के अव्वल आए छात्र छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। परीक्षा में लगभग 200 छात्र छात्राओं ने लिया था भाग। विक्रमगंज प्रखंड के घोषिया कला पंचायत में आयोजित टारगेट कॉम्पिटेटिव प्रतियोगी परीक्षा में अव्वल आए छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। जिस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन 1 मई को घोषिया कला पंचायत भवन पर किया गया। जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखिया मीना देवी एवं प्रतिनिधि सहपति योगेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया, जबकि संचालन शिक्षक मोहम्मद अली खान ने की। इस अवसर पर परीक्षा में अव्वल तहत प्रथम पुरस्कार जुनही पंचायत की काजल कुमारी को 5,000 रूपए और मेडल बुक के द्वितीय पुरस्कार मानी पंचायत के मोहम्मद रेहान खान को 2,000 रूपए और मेडल और तृतीय पुरस्कार जोनी पंचायत के सोनाक्षी कुमारी को 1,000 रूपए मेडल और बुके देकर मुखिया मीना देवी योगेंद्र सिंह शिक्षक मोहम्मद अली खान द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। ये दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। आज टारगेट कॉम्पिटेटिव परीक्षा के तहत तुम लोग को सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले थैंक्स करना चाहते हैं हम विकास सर को, जो उन्हीं का देन है। और अभी हमारा फिलहाल का पैसा है प्रधान पब्लिक स्कूल, जिसके कारण हम आज यहाँ पर हैं। बहुत अच्छा लगा। तुम क्या कहना चाहोगी? आज घोषिया कला पंचायत भवन पर, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के तहत बच्चों को पुरस्कृत किया गया, आप मुखिया प्रतिनिधि हुए और आपने इस कार्यक्रम का अध्यक्षता किया, आपके साथ बच्चों को क्या संदेश दिया गया? मेरा समझ से ये है कि मेरा बच्चा पंचायत का, जितने भी हमारे आस पड़ोस के लोग आए हुए हैं, जितने ही बच्चे प्रतिभागी इसमें थे जिसने पार्टिसिपेट किए, वो सारे लोग बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और खास करके जो हमारे आयोजक कर्ता थे मोहम्मद अली सर, इन्होंने काफ़ी परिश्रम के बाद इन सारे बच्चों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेकर के इनको अपने स्तर से तैयार किया। और इसमें जो भी हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए हैं लोग, ये हमारे पंचायत से एक हैं, बाकी और अलग अलग पंचायत से लोग आया है, कुछ बच्चे हैं कुछ बच्चियां भी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत में हर क्षेत्र में हमारे यहाँ के बाल जितने बच्चे हैं बच्चियाँ हैं आगे बढ़ें। और मैं हर संभव अपने पंचायत के प्रतिनिधित्व करने के हैसियत से हमसे जो होगा मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगा, ताकि हमारा पंचायत आगे चल के जिला में और प्रदेश में आगे चल के हमारा नाम, पंचायत का नाम रोशन हो। क्या नाम आपको? मेरा नाम जोगेंद्र सिंह हुआ किया है और मैं आभारी हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और आज इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपने बच्चों को भेजा। और इन धूप में, कड़ी शिद्दत में, इस गर्मी में बच्चों ने बढ़ कितने बच्चे सिलेक्टेड किए गए? इसमें बच्चे सिलेक्टेड किए 20 सिलेक्टेड किए गए हैं और 20 को सम्मानित किया गया है। आगे आपका क्या लक्ष्य है बच्चों के प्रति? आगे मेरा लक्ष्य यही है कि बच्चों को और मोटिवेट करना और इनको आगे बढ़ाना। जब तक इनका ड्रीम्स मैं पूरा नहीं करता हूँ तो मेरा ड्रीम्स पूरा नहीं होगा। इनका ड्रीम्स पूरा करना मेरा टारगेट है। और मैं आप लोग इस परीक्षा का आयोजन कितने तारीख को आपने कराया था? इस परीक्षा का आयोजन मैंने 23 अप्रैल 2022 को, क्योंकि मैंने उस दिन इसलिए चुना था क्योंकि वो वीर बाबू कुंवर सिंह का जन्म उत्सव था और वो भी मेरे लिए मेंटर है, क्योंकि नाना हमारे जो थे, नाना के हमारे दादा जो थे वीर कुंवर सिंह के तहसीलदार थे, तो कहने मतलब वो तहसीलदार से नहीं, उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट है, जो 70 साल के बुढ़ापा में उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे नीले पीले सब कर। R9 भारत की ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।